दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। सहरसा में दरभंगा निवासी से ऑल्टो कार, मोबाइल फोन और 4000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार। दरभंगा ब्लास्ट में सलीम और कफील को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची एनआईए की टीम, कोर्ट में होगी पेशी। दरभंगा ब्लास्ट केस, यूपी से पटना लाए गए दोनों संदिग्ध आतंकी। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी के साथ अधवारा समूह की नदियों में उफान, बिहार में बाढ़ अलर्ट। 3 तक मेगा सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती पर कोरोना का साया, 2022 में होना है आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट सेवा 5 जुलाई से, जानिए क्या होगा टाइमिंग। उत्तर प्रदेश की एटीएस पहले ही उठा चुकी थी कफील और सलीम को, इनकी निशानदेही पर ही एनआईए ने हैदराबाद में की थी कार्रवाई। डीएमसीएच के पीजी डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से इमरजेंसी सेवा ठप। कोसी, बागमती व महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही, झील में तब्दील हुए कई गांव, पलायन शुरू। अब खबर विस्तार से। सहरसा में दरभंगा निवासी से ऑल्टो कार, मोबाइल फोन और 4000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार। जिले के बिहार थाना क्षेत्र के पुरखी गांव स्थित सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग में शुक्रवार की रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर 4000 नगद समेत ऑल्टो कार व मोबाइल लूट लिए। वही सूचना मिलते ही घटना स्थल पहुंची बिहार पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को मौके पर पकड़ लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है, बदमाश कार लेकर फरार होने में सफल रहे। पूरी वारदात को दरभंगा निवासी विश्वनाथ महतो पुत्र शशिनाथ निराला के साथ घटित हुआ। वे पूर्णिया से इंडो फॉर्म ट्रैक्टर खरीद कर BR07AM 5576 नंबर की अपने ऑल्टो कार से दरभंगा जा रहे थे। इसी दौरान पुरखी गांव स्थित सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग में पूर्व से घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार सवार को रोककर हथियार का भय दिखाकर 4000 नगद समेत कार व बाइक लूट लिया। इस दौरान बदमाशों ने कार सवार शशिनाथ के साथ मारपीट भी की। इस मारपीट में उनकी हल्की चोट आई है। लूट की वारदात के बाद उन्होंने किसी तरह पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची बिहार पुलिस ने मौके पर बाइक सवार एक युवक को हिरासत में ली। यूपी ATDS 0341 नंबर की अपाची बाइक जब्त कर लिया। अन्य को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित ने लूट के इस मामले पर लिखित आवेदन दिया है। दरभंगा ब्लास्ट में सलीम और कफील को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची एनआईए की टीम, कोर्ट में होगी पेशी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में शुक्रवार को एनआईए की टीम ने 2 और आरोपियों को यूपी के शामिल से गिरफ्तार किया। शनिवार को इन दिनों आरोपियों को लेकर एटीएस की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच सलीम और कफील को एटीएस मुख्यालय लाया गया। दरभंगा ब्लास्ट केस, यूपी से पटना लाए गए दोनों संदिग्ध आतंकी। पटना एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी के शामिल से गिरफ्तार 2 आतंकियों को लाया गया। इंडिगो की दिल्ली पटना फ्लाइट से सुबह 10:35 बजे से इन्हें विमान से उतारकर आगमन कर एरिया से परिसर से बाहर लाया गया। कहा जा रहा है कि इससे पहले इन दोनों को एनआईए की टीम एक दिन पहले लखनऊ से दिल्ली लेकर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी 2-3 दिन पहले की गई थी। इसके बाद विमान संख्या 6E5003 से शनिवार सुबह 10:35 इन्हें पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। सुबह 8:54 पर इस विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरा था। दिल्ली से पटना तक CISF, ATS और NIA की अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा में इन्हें एयरपोर्ट परिसर से बाहर लाया है। सभी यात्रियों के विमान में बोर्डिंग होने के बाद सबसे अंत में इन दोनों आतंकियों का विमान की सबसे पिछली सीट पर बिठाया गया था। जिस सीट पर आतंकी थे उसके आसपास किसी भी यात्री की बुकिंग नहीं थी। पटना एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के दौरान सबसे पहले सुरक्षा घेरे में इन आतंकियों को उतारा गया। इन दोनों को परिसर से बाहर लाने के बाद ही बाद में इस विमान की बाकी यात्रियों को उतारने की इजाजत दी है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी के साथ अधवारा समूह की नदियों में उफान, बिहार में बाढ़ अलर्ट। उत्तर बिहार के साथ नेपाल में हुई भारी वर्षा के कारण राज्य की गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कनकई, परमान और लाला बैकिया के साथ ही अधवारा समूह की नदियों में उफान है। ऐसे में चंपारण, सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में
बाढ़ की स्थिति गंभीर होते जा रही है। 3 तक मेगा सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिन नियोजन इकाई में दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन 11 से 25 जून के बीच जमा नहीं हुआ है, नियोजन इकाई को अंतिम रूप से तैयार मेगा सूची अनुमोदन के लिए 3 जुलाई तक उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। डीईओ ने कहा कि संबंधित नियोजन इकाई की ओर से वीडियो व स्थापना डीपीओ के माध्यम से अंतिम मेगा सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने मेगा सूची उपलब्ध कराने के लिए वीडियो को अपने स्तर में संबंधित पंचायत नियोजन इकाई को गाइडलाइन देने के लिए कहा है। ऐसे इसलिए कहा है कि ताकि निर्धारित अवधि के अंदर जिला स्तर में मेगा सूची का अनुमोदन किया जा सके, इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती पर कोरोना का साया 2022 में होना है आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 2022 में स्वर्ण जयंती मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वर्ण जयंती की तैयारी को लेकर काम शुरू कर दिया है। विवि कैंपस स्थित ऐतिहासिक तालाब का सौंदर्यकरण का काम शुरू है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बहुत सी तैयारी अब तक अधूरी है। ऐसे में स्वर्ण जयंती की तैयारी फीकी रह सकती है। विश्वविद्यालय खेल और ललित कला संकाय द्वारा तैयार प्रोजेक्ट को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। साथ ही स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन को लेकर अब तक अहम बैठक नहीं की गई है। सूत्रों के माने तो कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह भय तरीके की जगह सादे मोहल्ले में मनाया जाएगा। विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण की थर्ड वेव को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। 2022 में ही ललित नारायण मिश्र की जन्मशती वर्ष भी मनाया जाएगा। एक साथ दोनों जयंती की तैयारी को लेकर पूर्व से ही प्लाट छनन चल रही थी, लेकिन इस बीच मई 2021 में आए कोरोना के दूसरे वेव के कारण विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती और ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती समारोह की तैयारी में खलक पड़ गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट सेवा 5 जुलाई से, जानिए क्या होगा टाइमिंग। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के बाद अब 5 जुलाई से इंडिगो अपनी सेवा शुरू करेगी। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इंडिगो प्रतिदिन दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए प्रतिदिन के 12:45 इंडिगो की उड़ान टेफ ऑफ करेगी, जो 2 घंटे के सफर के बाद 2:45 हैदराबाद पहुंचेगी। वहीं हैदराबाद से सुबह के 10:15 विमान दरभंगा के लिए उड़ान भरेगी। इसी तरह दरभंगा से कोलकाता के लिए 2:14:55 विमान उड़ान भरेगी, जो 4:10 कोलकाता पहुंचेगी। जबकि कोलकाता से दरभंगा के लिए विमान 2:03:10 कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। इधर दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए इंडिगो की बस पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। बता दें कि इससे पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइसजेट दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता के लिए उड़ान सेवा दे रही है। उत्तर प्रदेश की एटीएस पहले ही उठा चुकी थी कफील और सलीम को। इनकी निशानदेही पर ही एनआईए ने हैदराबाद में की थी कार्रवाई। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एक मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ। भास्कर ने आपको पहले भी बताया था कि सिकंदराबाद स्टेशन पर हुए पार्सल की बुकिंग करवाने वाले और दरभंगा में रिसीवर के रूप में एक ही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, जो मोहम्मद सफियान था। इसी तरह से दोनों ही जगहों पर एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट के बाद जब बिहार रेल पुलिस और तेलंगाना एटीएस की टीम ने अपनी जांच शुरू की थी तो उस मोबाइल नंबर को खंगाला था, जिस बीच उस नंबर का लोकेशन उत्तर प्रदेश मिला। इसके बाद ही मामले की जांच में उत्तर प्रदेश एटीएस की मदद ली गई। फिर टावर लोकेशन के आधार पर शामिल में छापेमारी कर टेलर का काम करने वाले कसीम उर्फ वकील को कब्जे में लिया गया था। लगातार यूज हो रहा वह मोबाइल नंबर इसी का था। पार्सल की बुकिंग और रिसीवर में एक ही नंबर देकर आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी थी। कफील के आधार पर ही दूसरा नाम सलीम उर्फ टुंडा का नाम सामने आया, तब जाकर इन दोनों को कस्टडी में लिया गया था। डीएमसीएच के पीजी डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से इमरजेंसी सेवा ठप।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल डीएमसीएच के अर्थो और सर्जरी विभाग के मरीजों को सुविधा नहीं मिलने से पीजी डॉक्टर आक्रोशित होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे इमरजेंसी वार्ड की सेवा ठप हो गई। इलाज के लिए आए दर्जनों मरीज वापस लौट गए। पर्चे कटाने वाले काउंटर बंद रहा। हड़ताली चिकित्साओं को कहना था कि सुविधा नहीं रहने से मरीजों का सही से इलाज नहीं कर पाता है। अर्थो और सर्जरी विभाग से जुड़े मरीजों को इलाज करने के लिए उनके पास बेड तक खाली नहीं है। प्राथमिक उपचार के बाद 24 घंटे तक मरीजों को रखने के लिए कोई जगह भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में मरीजों का इलाज करना और उनका जान बचाना मुश्किल हो गया है। कोसी, बागमती व महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही। झील में तब्दील हुए कई गांव। पलायन शुरू। लगातार 3 दिनों के बारिश के बाद कोसी, सीमांचल व पूर्वी बिहार की नदियां महानंदा, बागमती व कोसी खतरे के निशान को पार कर गई है। निचले इलाकों में पानी फैलने से लोगों को पलायन शुरू करना पड़ा। तटबंधों पर चौकसी व निगरानी बढ़ गई है। अररिया जिले में नुन्ना, बकड़ा, घाघी, रतवा, परमान आदि नदियों के जलस्तरों में लगातार हो रही वृद्धि से बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। सिरती प्रखंड के आधा दर्जनों गांव में पानी घुसने के झील में तब्दील हो गया है। जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली पव, बकड़ा व परमान नदी उफानने से निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। अररिया किशनगंज NH-327E पर भंगिया डाइवर्सन पर पानी बह रहा है। वही कटिहार जिले में गंगा, कोसी व बरंडी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। 2 प्रखंड आजमनगर और कदवा में महानंदा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।